आज हम लोग करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल डाटा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आरेख से तात्पर्य, आरेख मतलब डायग्राम, आरेख से तात्पर्य सांख्यिकीय के आंकड़ों को रूढ़ आकार में प्रदर्शन करना है। जब ये मानचित्र में प्रदर्शित किए जाते हैं तो ये आरेखीय मानचित्र या डायग्रामेटिक मैप कहलाता है। टाइप्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम तीन तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ, रेखा आरेख, बार ग्राफ, दंड आरेख एंड पाई ग्राफ, वृत्त आरेख। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ जब हम आंकड़े को किसी लाइन के द्वारा दिखाते हैं, इस तरह से किसी लाइन के द्वारा दिखाएंगे तो वो हो गया लाइन ग्राफ। इसमें हम जनसंख्या का बढ़ती हुई जनसंख्या दिखा सकते हैं, उत्पादन, किसी फसल का वितरण या तापमान, इसको दिखाने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ बनाते हैं। क्लियर करना, जनसंख्या माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी फसल, है ना, कोई भी फसल का, और तापमान को दिखाने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ बनाते हैं, है ना। ध्यान रखना इसको कि लाइन ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से चीज को दिखाया जाता है, जनसंख्या, वितरण, उत्पादन, वितरण, तापमान को दिखाने के लिए। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल लाइन ग्राफ, सरल रेखा आरेख या बहुरेखा आरेख, मल्टीपल लाइन ग्राफ। ठीक है, सिंपल लाइन ग्राफ जब हम एक ही आधार और एक ही लंब में एक लाइन के द्वारा डाटा दिखाते हैं, जैसे मान लो हमको तापमान दिखाना है मंथ्स में, तो जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में, मार्च में इतना हुआ, तो एक लाइन में। प्रोडक्शन हम कहीं का दिखाते हैं तो यहाँ पर 1901 में इतना हुआ, 1921 में हुआ, 31 में हुआ, जब एक लाइन के द्वारा एक ही आधार और एक ही लंब में दिखाते हैं तो सिंपल लाइन ग्राफ हुआ। ठीक है, मल्टीपल लाइन ग्राफ मतलब जब हम एक ही आधार और एक ही लंब में दो या दो से अधिक आंकड़े को दो या दो से अधिक लाइन के द्वारा दिखाते हैं। मान लो हम ये दिखा दिए हाई टेम्परेचर, तो ये दिखा दिए लोवेस्ट टेम्परेचर, है ना, तो एक ही आधार और एक ही लंब में ये दिखाते हैं। इस तरह से जब दो आकार के दो आंकड़े को दिखाएंगे एक ही आधार में और एक ही लंब में, तो ये हो गया मल्टीपल लाइन रेखा ग्राफ, है ना। दूसरा हो गया बार डायग्राम, बार डायग्राम जब हम किसी आंकड़े को बार के द्वारा दिखाते हैं, बार या तो खड़ा हो सकता है या पड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बार बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें कि ये जो बार हम बनाते हैं ये हम बार को सटा सटा ही बना सकते हैं या इसको हम अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे, लेकिन ध्यान रखना है कि सरेक बार की मोटाई बराबर होनी है। कोई बार पतला कर दिए, कोई बार इतना मोटा कर दिए, कोई बार इतना मोटा कर दिए, ऐसा नहीं, सब बार को बराबर मोटाई का होना है। तो बार बनाते समय ये ध्यान रखना है। और एक बात दिखाना, हमेशा वर्षा के आंकड़े को दिखाने के लिए बार डायग्राम बनाया जाता है, वर्षा के आंकड़े को कभी लाइन ग्राफ द्वारा नहीं दिखाया था। ये वाइवा में पूछेंगे कि लाइन ग्राफ के द्वारा हम क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिखाते हैं, और वर्षा के आंकड़े को हमेशा बार डायग्राम द्वारा दिखाते हैं। याद रखना, वर्षा के आंकड़े को कभी लाइन ग्राफ द्वारा नहीं दिखाया जाता, वर्षा के आंकड़े को हमेशा बार डायग्राम द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड कंपाउंड बार डायग्राम, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और मिश्र दंड आरेख। सरल दंड आरेख क्या है, जब हम एक ही एक आधार पर एक आंकड़े को हम दिखाते हैं, ये तो ये हो गया सरल दंड आरेख, है ना। जैसे कि मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल का वर्षा है, मान लो, है ना, तो ये दिखा रहे हैं। जब हम दो या दो से अधिक आंकड़े को दो या दो से अधिक आंकड़े द्वारा को दो या दो से अधिक दंड के द्वारा एक ही आधार और एक ही लंब पे दिखाते हैं, जैसे मान लो ये हो गया 1901 का राइस का प्रोडक्शन, गेहूं का, सुगर का, तो क्या हुआ 1901, ये तीन चीज है, ये राइस हो गया, ये वीट हो गया, ये शुगर हो गया। फिर दिखाएंगे 1911 में, फिर दिखाएंगे राइस का, वीट का, शुगर का। ठीक है, फिर दिखाएंगे 1921 में राइस का, वीट का और शुगर का। ठीक है ना,
तो हम लोग क्या करें, एक ही आधार और एक ही लंब में दो या दो से अधिक बार को दिखाते हैं, तो ये हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। और कंपाउंड बार डायग्राम क्या होता है, जब हम आंकड़े को कुल योग के रूप में दिखाते हैं। ये कैसे होगा, जैसे टोटल को हम लोग बड़ा दिखाएंगे, टोटल को हम लोग मान लो 100% मान लेते हैं। अगर मान लो राइस का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन है, तो यूएसए मान लो है 35%, 38%, 35 बोलो 35%, फिर मान लो क्या होता है चाइना 30%, कितना हो गया 30, 30, 60 और 65। हाँ, फिर 65 के बाद कितना बच रहा है, मान लो इंडिया 70, 25, कितना हो गया 65, 70, 80, 90 और 10% लंका, टोटल करके 100%, है ना। तो जब हम आंकड़े को कुल योग के रूप में या अलग अलग दिखाते हैं तो ये हो गया ये कंपाउंड बार डायग्राम। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब तीसरा है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में मतलब क्या है, जब हम सर्कल में कोई चीज का उत्पादन और वितरण को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंकड़ा इसके लिए फॉर्मूला है 360 अभिष्ट मात्रा बटे आंकड़े का कुल योग। तो दिखाएगा, मान लो तुमको दिखाएगा कि कहीं का राइस का प्रोडक्शन है, हाँ मान लो यूएसए 33, इंडिया 20, लंका 10। तो क्या करना है, 360 अभिष्ट मात्रा यूएसए का है तो 33 बटे आंकड़े कुल योग, मान लो ये आंकड़ा दिया हुआ ना, आंकड़े कुल योग कितना हो गया 3, 3, 4, 5, 6, 63। इसको कट कर देंगे, जितना आएगा ना उतना डिग्री हुआ। तो हम एक सर्कल ऐसे बनाएंगे और मान लो ये आता है, मान लो कह रहे हैं ना, मान लो ये 23 डिग्री आता है, तो यहां से लेके 23 डिग्री हम काट लेंगे, तो ये क्या हुआ यूएसए, तो यहां लिख देंगे यूएसए 23। उसी तरह से इंडिया का करेंगे 20%, तो फिर करेंगे 360 अभिष्ट मात्रा बटे आंकड़े का कुल योग। किसको कट करेंगे, मान लो ये होता है 19 डिग्री, तो यहां से फिर 19 डिग्री काट लेंगे, तो ये 19% लिखेंगे और लिखेंगे इंडिया। इसी तरह से आंकड़ा रहेगा ना पूरा, ये तो पूरा आंकड़ा नहीं है इसीलिए आंकड़ा रहेगा पूरा, तो वैसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके पूरा टोटल 100% में दिखा देना है जो आंकड़ा रहेगा। क्लियर, तो बस इसका हम तुम लोगों को फॉर्मूला बता रहे हैं पाई डायग्राफ बनाने के लिए। 360 अभिष्ट मात्रा बटे आंकड़े का कुल योग से हम लोग डिग्री निकालते हैं और डिग्री को ऐसे एक सर्कल बना के डिग्री के अनुसार काटते हैं और टोटल को दिखा देते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सिंपल लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। देखो यहाँ मंथ्स है जनवरी फरवरी से दिसंबर तक और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इतना है ना। इसमें हम तुम लोग को बता दे रहे हैं पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा या 5 से कम रहेगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर 1.2 है, 1.2 है तो ये 1 ही रहेगा, ये 5.6 है तो ये 6 हो जाएगा, 15.01 है तो पॉइंट के बाद 0 है इसलिए कोई मतलब नहीं है, 15 है। हाँ, उसी तरह से यहाँ देखो 40.3 है तो 40 ही होगा, 35.05 है तो ये हो जाएगा 35 ही। अब मान लो यहाँ है देखो 4.6 तो ये हो जाएगा 5, इतना हो गया। जब भी तुम्हारा आंकड़ा ऐसा रहेगा ना तो इसको राउंड फिगर में लेना। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है 47 और सबसे ज्यादा कम क्या है 1.2, ठीक है ना। तो हम 50 तक लेंगे तो हो जाएगा, तो तुम लाइन से लाइन ड्रॉ करना, हम ऐसे ही रफ कर रहे हैं है ना। ये रहेगा मंथ्स, ठीक है, ये है मंथ्स, इसको हर एक को सेम डिस्टेंस में डिवीजन करना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और इधर जो रहेगा ये परिवर्तनशील अवस्था, परिवर्तनशील अवस्था क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो इधर लिखना टेम्परेचर
इन डिग्री सेंटीग्रेड सीजी, ठीक है। इसको भी डिवीजन करना बराबर, तो ये हमेशा जीरो होता है, ये पॉइंट वन जो होता है ना, ये पॉइंट जहां शुरू होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो तुम अपने सेंटीमीटर वाले स्केल से या फिर इंच वाले स्केल से अपना पेपर के हिसाब से डिस्टेंस ले लेना, कितना लोगे, 10, 20, 30, 40, 50, इसको थोड़ा दूर लिखना है, 50 में आ जाएगा। अब देखो पहला है 1.2, तो ये 1 हुआ, अपना सेट स्क्वायर लेना, ये हुआ जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके दिसंबर, ठीक है। तो जनवरी में 1.2, यहां पर एक सेंटीमीटर लोगी तो इसके अंदर 10 डिवीजन है, इसी तरह से इंच में लोगी तो इसके अंदर 10 डिवीजन है, तो 1.2 मतलब 1 मतलब एकदम 1, ठीक है ना। तो ये 1 को इसमें ऐसे रखना और इधर से जनवरी में रखना, जहां मिलेगा वहां पॉइंट करना, वो हो गया जनवरी। फरवरी में देखो 5.6 मतलब 6, तो यहां हुआ 5, पांचवा लाइन उसका छठा लाइन, ठीक है, 5 और 0.6, तो ये फरवरी में 6 हुआ, ठीक है। फिर मार्च में 15.1 है ना, तो ये 10 और ये 20 हुआ, तो इसके बीच में पांचवा पॉइंट 15, ठीक है, ये 15.1 तो 15 हुआ मार्च। फिर हुआ अप्रैल 35, तो 10, 20, 30 और इसके बीच का 35, अप्रैल 35, फिर मई 42, ये 40 हुआ और 40 के बाद दो लाइन ऊपर 42, दस मई 42, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जून 47, देखो यहां 40 है, 47 सातवां लाइन तक 47, ठीक है ना, इसके अंदर 10 लाइन है तो 47 तक, और ये है जून, तो इसमें जाओगी जून में 47, ऐसे के हो गया। फिर हो गया जुलाई 40, जुलाई 40, फिर हो गया 35, फिर 25, 20, 15 और दिसंबर 4, ठीक है ना, सारे को फ्री हैंड ऐसे से मिला देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहां नीचे वाला को मंथ लिखोगे जनवरी फरवरी, और इधर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, क्लियर। दूसरा देखो ये दिया है, सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिंपल लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा, ये कंट्री है, ये पॉपुलेशन इन करोड़ है ना, तो इधर लिख देना कंट्री, ये हो गया यूएसए, फिर ये पॉइंट देना क्या है, चाइना, फिर ये इंडिया, सेम डिस्टेंस में ये नाइजीरिया, और इधर इधर जो वर्टिकल लाइन है इसमें लिखना पॉपुलेशन इन करोड़, पूरा लिखना है पॉपुलेशन इन करोड़, ठीक है। इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, ठीक है ना, करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़, तो इधर का कल पॉइंट लिखना, 20 ये मान लो 23 करोड़ है, ये 25 करोड़ है, 69 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़, तो इधर लिखा पॉपुलेशन इन करोड़, तो इसको भी 10 20 में करो, ठीक है ना, पॉपुलेशन करोड़ है, ये 10 हुआ, 20 30 40 सेम डिस्टेंस करना स्केल से नाप के, 50 60 69 है, तो हम 70 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 69 है, ठीक है। अच्छा पहला क्या है, जनवरी में 23, तो ये 10 20 और 3 लाइन ऊपर, वैसे ही सेट स्क्वायर से जाओगे, चाइना नहीं, हाँ चाइना
पहला जर्मनी है, मान लो जर्मनी है पहला, ठीक है ना। अच्छा दूसरा है यूएसए, अच्छा मान लो इसमें छोड़ दी जर्मनी का, अच्छा यूएसए ही समझो, ये कर दो यूएसए और ये कर दो, जस्ट ऊपर कर दो, ये चाइना हो गया, मान लो ये यूएसए हो गया। हाँ देखो चाइना में 69 है, ये चाइना हम जर्मनी छोड़ दिए हैं, चाइना में 69 है, तो देखो 69 कहाँ है, 60 और यह नामा पॉइंट 69, ऐसे जाओ, ठीक है। फिर इंडिया में 60, ये 60, फिर है नाइजीरिया में 40, तो 10, 20, 30, 40, फिर सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे मिला दो, है ना, फ्री हैंड। तो ये हो गया तुम्हारा पॉपुलेशन करोड़, हम दिखा दिए एक लाइन से। इसमें देखो प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इन 1000 टन, तो इसमें क्या करोगे इसको भी बताओ। तीसरा क्वेश्चन, ये कैसे लाइन करो, यहां लिखो ईयर्स 1951, 1966, 1977, 1977, 1992, 1998, इस टाइप से आगे तक, ठीक है। और इधर लिखो क्या है, प्रोडक्शन इन 1000 टन, इधर लिखो अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कितना गया है 150 तक, और कहां से गया है, तो तुम इसमें कितना 2010 करोगे तो बहुत ऊंचा चला जाएगा, तो तुम करो 20 से करो, ऊंचा तो जाना ही हम, चल 10 ही से करो, सेंटीमीटर से नापो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150 से जाओ। पहला देखो 68, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ऊपर तक जाओ, है ना। पहला देखो 1951, 68, ये 51 में 68, तो 10, 20, 30, 60 और 8.68, यहाँ पॉइंट लगाओ सेट स्क्वायर से। फिर 66 में 75, तो हो गया 70 और 5, 75, ठीक है 66 में। फिर हुआ 77, 82, 80 एंड 2 लाइन, 82, सेट स्क्वायर से नापना है, इधर से करना इधर से करना, और 92 में 101, इधर 90 और 2 पॉइंट ऊपर 92 हुआ, और इसमें 101, फिर 98 में 110, 98 में ये 98 है, इसमें 110, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन या जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन या टेम्परेचर बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में। देखो यहाँ बढ़ के घट गया, बढ़ के घट गया, ये बढ़ते ही जा रहा है, यही हम देखते हैं, ठीक है ना, लाइन ग्राफ में, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। दूसरा मल्टीपल लाइन ग्राफ, मल्टीपल लाइन ग्राफ में क्या हो रहा है कि हम एक ही आधार और एक ही लंब में एक या एक से अधिक आंकड़े को दिखा रहे हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, मंथ से टेम्परेचर दिखा रहे हैं, मंथ से और यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो जो सिंपल लाइन ग्राफ हम बनाए थे ये एक लाइन में, इसमें क्या करेंगे फिर लिख देंगे, ये मल्टीपल है, मल्टीपल लाइन है ना,
ये सिंपल लाइन देखो, इधर लिख दो मंथ्स और इधर लिखो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी कर लो 10-20, 10-20 कहां तक जाएंगे, 35-40, 49-50 तक जाएंगे, है ना। 10-20, 30-40-50, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम पहले कर लो, ये 3-7-19 3 करो, इसके अंदर 10 लाइन है, ये हमेशा जीरो होता है पहला पॉइंट, मान लो ये पहला पॉइंट ए है, ये हमेशा जीरो होगा, हाँ ये कभी 10 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो ए पॉइंट, ठीक है, जहां से लाइन शुरू होता है, तो इसके अंदर 10 लाइन है, 1 सेंटीमीटर चाहे 1 इंच में करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर 10 लाइन है। तो पहला हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी का कितना है देखो, सबसे ज्यादा 3-7-19 है ना, तो 3 हो गया तीसरा लाइन, जनवरी उसी तरह सेटिस्फाइस करोगी। दूसरा है फरवरी में 19, 20 के पहले वाला लाइन 19, और फिर मार्च में नहीं, फरवरी में सात है, मार्च में है 19, ठीक है, अप्रैल में 30 और मई में 45, अप्रैल में 30 और मई में 45, इससे करोगी हाँ। ये 40 और 40 से 5 आधा, 45 मई में 45 और ये मई है हमारा यहाँ, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट करो। उसके बाद 45, फिर 49 हो गया जून में, उसके बाद 40 हो गया, तो कम होते जा रहा है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स जो तुमको मिले हैं ऐसे ऐसे फ्री हैंड मिलाओ, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये इसमें लिख देना मैक्सिमम, इसको मान लो रेड लाइन से करती हो तो इंडेक्स बनाओगी ना, यहाँ नीचे इंडेक्स बनाना, रेड लाइन से करो, इसको करो मैक्सिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर रेड लाइन से करना, और एक दूसरा करोगी ब्लू लाइन से, ब्लू से उसको मिनिमम, मिनिमम टेम्परेचर, इसको ब्लू लाइन से करना, इसको रेड लाइन से करना, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीपल में, एक ही आधार और एक ही लंबाई। देखो अब मिनिमम के लिए क्या है, जनवरी क्या है, एक जनवरी एकदम एक है, फरवरी 5, मार्च 15, 10 और 5 15, मई 23, अप्रैल 23, मई 37, 30 और 7 37। तो फिर ऐसे के ऐसे मिलाएंगे, तो हम लोग दूसरा कलर का पेन से, हाँ 37, फिर 40, फिर 35 35, फिर 30, फिर 29, फिर 20, फिर 12 और फिर 6, है ना। तो ये हो गया, ये रेड लाइन से करोगे तो मैक्सिमम, ब्लू लाइन से करोगे तो टेम्परेचर, अलग अलग कलर करना, कोई भी कलर कर देना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा, दूसरा हम कर रहे हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम में हमेशा याद रखना कि वर्षा के आंकड़े को दिखाते हैं या किसी चीज का प्रोडक्शन को दिखाते हैं, टेम्परेचर कभी बार डायग्राम से नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वर्षा के आंकड़े कभी लाइन ग्राफ से नहीं दिखाते हैं, ये तुमको पूछेंगे वायुओं में, ठीक है। तो देखो इसमें भी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और रेनफॉल इन सेंटीमीटर, रेनफॉल इन मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम लोग, हम क्या बताए थे, बार को सेम बराबर साइज का होना है, ये बार ग्राफ या बार डायग्राम एक ही चीज है। ये हो गया मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गया रेनफॉल इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। देख लो अपने आंकड़े के अनुसार कितना है, सबसे ज्यादा 8 9 10 30 30 40, अच्छा 10 करेंगे तो हो जाएगा, 10 20 30 40 50,
पहला देखो 8, उसका 8.7 मतलब 9 एंड 2 है ना, पहला है 8, 10 के बाद ये 8, दूसरा कोई 8.7 मतलब 9, उसके बाद है 9, उसके बाद तीसरा वाला है 2, सब बार का मोटा एक ही होना है, इसको डिस्टेंस बराबर करोगे तो सारा बार का मोटा एक ही होगा है। फिर है 1.0, फिर 5, 1.0, फिर 5, या फिर बार को अलग अलग भी कर सकते हैं ना। उसके बाद है 20, 32, तो मान लो जैसे अलग करना है तो ऐसे करो, 20 हो गया यहाँ, फिर हो गया 32, ये 30 हो गया 32, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं या सटा के भी कर सकते हैं ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया, अगस्त का 40, सितंबर का 31, अगस्त का 40, देखो यहाँ 40 है, यहाँ जहाँ 40 है, और सितंबर का 31, यहाँ 31, ऐसे मान लो, ऐसे एक साथ सटा के भी कर सकती हो, एक साथ करके ई करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि हर एक बार की मोटाई बराबर होनी, अलग अलग भी कर सकते हैं या अकेले अकेले भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल बार। मल्टीपल बार में देखो, हमको दिया गया है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 1000 टन है ना, कंट्री एंड ईयर्स है ना, इसमें क्या करोगी मल्टीपल में, इधर लिखना कंट्रीज, ईयर्स, ठीक है, 1981, 1991, 1902 and 2001, इधर लिखना प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 1000 टन्स, कितना है 80 से लेकर के 100 तक में आ जा रहा है ना। इधर 10-20 करना, ये हमेशा जीरो होता है, ये ए पॉइंट है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में आ जा रहे हैं, 88, 90 हो जा रहा है ना। देखो अब देखो 88 में यूएसए में कितना था, यूएसए में 69, तो ये हो गया 60 और 69, उसके बाद 80, ये हो गया 80, फिर ये हो गया 90, इसका अलग अलग शेड कर देना, मान लो ये वाला है 91 में, ऐसे 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 करोगे, ये है 81 में, 91 में मान लो ऐसे ऐसे करो, इसका भी डिस्टेंस बराबर होना है, ठीक है ना, ये जो शेड करे उसका, और मान लो इसमें 2001 में ऐसे ऐसे कर दें, तो इधर एक इंडेक्स बना देना, ये हो गया तुम्हारा
राइस मान लो है, प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट प्रोडक्शन का वीट है इतना, है ना। ये हो जाए कंट्रीज, ये हो जाए कंट्रीज, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा यूएसए। फिर तुम जगह छोड़ देना, यहां से करना अलग से तीन भाग, ये है यूके के लिए, यूके के लिए ये हो गया यूके। यूके में कितना है, 81 में 71, देखो ये 70 है तो यहां से 71, ये दूसरा है 91 में 75, 70 और 5 75, और उसके बाद 88, 80 और 8 88, ठीक है। इसमें भी ऐसे सेट करना, ये हो गया तुम्हारा 91 का, ये हो गया तुम्हारा 81 का, ये 91 का, और ये हो गया तुम्हारा 2001 का, यूके हो, यूएसए है। फिर दूसरा बना ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे ही बनाना तीन खंड करके, और फिर इंडिया का तीन खंड करके। तो ये हो गया मल्टीपल, मतलब एक ही आधार और एक ही लम्ब में हम दिखा रहे हैं, देखो दो या दो से अधिक आंकड़े को दिखा रहे हैं, तो दो या दो से अधिक आंकड़े को दिखा रहे हैं। अगर ये रहता राइस वीट एंड शुगर, राइस वीट एंड शुगर, तो फिर इधर इंडेक्स बनाते, ये शेड को राइस करते, इसको वीट करते, इसको शुगर करते, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब तीसरा एंड लास्ट हमारा है कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम बनाते हैं कुल आंकड़े को कुल योग के रूप में या अलग अलग दिखाते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 2001, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर का प्रोडक्शन टोटल को जोड़ते हैं तो ये 100 होता है, ये 100% टोटल हो जाता है। तुम स्केल बनाओ इंच के तरफ से, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इंच के तरफ से पूरा 10 इंच ले लो, जो कि तुम्हारा 100% को दिखाता है, ठीक है। ये टोटल 10 इंच होगा, डिस्टेंस 10 इंच होगा, और टोटल इज इक्वल टू 100%, जो ये 100% था। अब देखो यूएसए है 25, ये बीचों बीच 50 हुआ, तो इसका बीच 25 हुआ, इसको ऐसे डिविजन कर दो, 25% यूएसए लिख दो। फिर नेक्स्ट है क्यूबा, यहां से यहां 25% और 5% ले लो, ये हो जाएगा क्यूबा 30%। फिर उसका 20%, ये कितना हो गया, 30 एंड 25 कितना हो गया, 30, 40, 55 हुआ ना, 55 से 20 ले लो, 65 और 75, ये 20% हो गया ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। उसके बाद ब्राजील से घाना 15%, 15% हो गया ब्राजील से घाना, घाना 15%, और 15% 10% बढ़ता है वो इंडिया, ये 10%, बस इतना ही तो बनाना है। इसको लिख दो टोटल, यहाँ कर दो 50%, यहाँ बीचों बीच ये 0, और इसको 100% कर दो, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिखो 25%, यहाँ लिखो 30%, यहाँ लिखो 20%, यहाँ लिखो 15%, और यहाँ लिखो 10%, या तो फिर अंदर ही में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर तो लिख ही दे रही हो, इसे नहीं अंदर नहीं लिखो, बाहर नहीं लिखो, अंदर ही लिखो, अंदर अंदर ही लिखो, तब क्लियर हो जाएगा। और सबके ऊपर में, इसके ऊपर में लिखना कंपाउंड बार डायग्राम, इसके ऊपर में लिखना सिंपल बार डायग्राम, इसके ऊपर में लिखना मल्टीपल बार डायग्राम, इसके ऊपर में लिखना मल्टीपल, इसके ऊपर में लिखना कंपाउंड बार डायग्राम, इसके ऊपर में लिखना सिंपल लाइन ग्राफ, इसके ऊपर लिखना सिंपल लाइन ग्राफ, इसके ऊपर में मल्टीपल लाइन ग्राफ, यहाँ सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम,
ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और पाई डायग्राम के बारे तो हम बताएं कि पाई डायग्राम जब हम आंकड़े को वृत्त में दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला है थ्री सिक्सटी इंटू अभीष्ट मात्रा बटे आंकड़े का कुल योग, है ना। ऐसा ऐसा दिया रहेगा उसको 360 इंटू अभीष्ट मात्रा, मतलब यूएसए का तो 33, फिर इंडिया का तो 20 से गुना करना, फिर जो भी रहेगा लंका है, ये लंका है तो 10 है, तो 360 इंटू 10 बाई 63 ऐसा करना, और जो निकलेगा उसको ऐसा ऐसा डिवीजन करके और उसमें ये लिख देना। तो ये नहीं देंगे तुमको, मान लो अगर आता है सिंपल लाइन ग्राफ या मल्टीपल लाइन ग्राफ या सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम या कंपाउंड डायग्राम, सब में से किस कोई भी साथ आता है तो बन जाएगा ना। तो ये दोनों माने कितना क्वेश्चन हो गया, एक दो तीन चार पाँच, पांच क्वेश्चन बनाना है तुमको वाइट शीट में। और एक तुम अपना बना लो सिंपल बार डायग्राम और सिंपल लाइन ग्राफ को, ये ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर में उसी तरह से लिखोगी, इधर लिखोगी, ये एक डिवीजन लोगी जो कि 10 का होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो 10 डिवीजन का एक बार, यहाँ 10 20 30 40 50 करोगी, मैं 10 है तो 10 में डिवाइड करो, 7 है तो सातवां लाइन में, 6 है 16 है तो ये 10 और 6 16 में करो, हाँ 30 है तो 30 में करो, 35 है तो 35 में करो, उस तरह से करो। इस पर तो डिवीजन किया हुआ है, बस पॉइंट करके बस ऐसे मिला देना है, ऐसे करके बार बना देना है। तो एक क्वेश्चन ग्राफ में सिंपल लाइन ग्राफ का, एक क्वेश्चन ग्राफ में बार ग्राफ का बना लेना, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत होगा तो हमको कॉल करना, ठीक है। और 30 जून के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वाइवा के लिए बता दिए कि लाइन ग्राफ में क्या क्या पूछा जा सकता है, बार डायग्राफ में क्यों बनाते हैं ये पूछा जा सकता है, लाइन ग्राफ में क्या बनाते हैं वो पूछा जा सकता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब क्या होगा, और पाई ग्राफ में फॉर्मूला बोलो 360 इंटू अभीष्ट मात्रा बटे आंकड़े का कुल योग, है ना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल का चैप्टर खत्म। 30 के पहले एग्जाम होगा, कोई बाबा पूछेगा एक्सटर्नल तो बोलना, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछो, ठीक है। चलो।